टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डैम्स इन पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल, डैम होते क्या हैं, इनकी हम डेफिनेशन करते हैं। डैम जो है ये एक बैरियर होती है जो कि स्टॉप करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है फ्लो ऑफ वाटर को, और जो अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स हैं उनको स्टॉप करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है उनके फ्लो को। उसके बाद जो है लार्ज डैम ये इसकी हाइट यानी कि कितनी होती है, डैम विद हाइट ऑफ 15 मीटर या उससे भी ज़्यादा, यानी कि क्रेस्ट जो है कुरा अर्ज की फाउंडेशन से उससे 15 मीटर से ज़्यादा हो, और जो 3 मिलियन क्यूबिक मीटर्स को इम्पाउंड कर सके यानी कि कवर कर सके, ये होता है लार्ज डैम। उसके बाद है पर्पस ऑफ डैम्स, डैम्स के पर्पस क्या होते हैं, ये किस लिए बनाए जाते हैं। डैम्स आर यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस लाइक इरिगेशन, आबपाशी के लिए, पावर जनरेशन, वाटर सप्लाई हो गया, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं, और नेविगेशन और रिक्रिएशन के लिए भी ये बनाए जाते हैं, इनके मकसद होते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ डैम, डैम की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, जो कि किस पर बेस करती हैं, पहले स्ट्रक्चर पर बेस होती हैं, और दूसरी जो टाइप है वो यूज एंड इसके जो फंक्शन होते हैं उसकी बुनियाद पर इसकी एक टाइप है, दूसरी तीसरी जो है वो साइज और जो मटेरियल यूज होता है उसके बिना पर तीसरी टाइप जो इसकी हुआ। तो ये साइज एंड मटेरियल कंस्ट्रक्शन की एक और टाइप भी है, जैसे कि जो होती है एम्बैंकमेंट टाइप। एम्बैंकमेंट डैम जो होते हैं इनमें मजीद दो आ जाते हैं, रॉक फील्ड और अर्थ फील्ड। रॉक फील्ड जो होते हैं ये परमेबल होते हैं और ये मेड अप ऑफ होते हैं यानी कि डैम्पर्ड और कंपैक्टर जो रॉक फील्ड होते हैं उससे ये बनाए जाते हैं। उसकी दूसरी टाइप जो है एम्बैंकमेंट डैम की वो है अर्थ फील्ड डैम, यानी कि कंपैक्शन ऑफ सक्सेसिव लेयर्स ऑफ अर्थ, अर्थ की जो लेयर्स होती हैं उसके कंपैक्शन से ये बनाए जाते हैं। अब जो 10 बड़े पाकिस्तान के डैम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उनकी हाइट को और उसकी जो बाकी खसूसियात हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह वो भी करते हैं। ये 10 बड़े डैम कौन कौन से होते हैं, मंगला डैम हो गया, तरबेला डैम, हब डैम, मेरानी डैम, सबक जई डैम, गोमल जैम डैम, अली खवार डैम, देवर खवार डैम, वारसक एंड खानपुर डैम। पहला जो है वो है मंगला डैम। मंगला डैम की कंस्ट्रक्शन जो थी वो 1961 में स्टार्ट हुई और कंप्लीशन जो है 1967 में हुई, और ये कहाँ पर लोकेट करता है, ये जेहलम रिवर के किनारे पर है। इसकी जो हाइट है वो 147 मीटर है, फीट्स में बताया जाए तो ये 482 बनते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 3140 मीटर है। इस पे जो कॉस्ट आई थी 1.473 बिलियन डॉलर इसकी कॉस्ट थी, और ये इसकी जो टाइप है एम्बैंकमेंट टाइप है, यानी कि ये वाटर इम्पाउंडिंग स्ट्रक्चर होते हैं और ये फ्लेक्सीबल होते हैं, और ये आर्टिफिशियली डैम होते हैं जो कि बनाए जाते हैं फाउंडेशन वॉल से जो कि एम्बेडेड होती है इनटू द रॉक। ये हो गया मंगला डैम, इसकी कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही हैं। मंगला डैम के बाद है तरबेला डैम। तरबेला डैम जो था ये 1968 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और ये कंप्लीट हुआ था 1976 में, और ये कहाँ लोकेट करता है, इंडस रिवर पर लोकेट करता है। इसकी जो हाइट है वो है 470 फीट, अगर मीटर्स में बात की जाए तो 143.26 मीटर, और इसकी जो लेंथ है वो है 2743.2 मीटर या 9000 फीट। इसकी जो कास्ट है वो है 1,497 मिलियन डॉलर्स। ये है इसकी जो टाइप ऑफ डैम है, ये कौन सी टाइप है, ये फॉलो करता है ये अर्थ फील्ड डैम। अर्थ फील्ड डैम हमने पहले बात किया कि ये अर्थ की जो सक्सेसिव लेयर्स हैं उनकी कंपैक्शन से ये बनाया जाता है। ये तरबेला डैम की कुछ तस्वीरें हैं। उसके बाद है हब डैम। हब डैम जो था ये 1963 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और ये कंप्लीट हुआ था 1981 में, और ये हब रिवर के ऊपर लोकेट करता है। इसकी जो हाइट है वो है 48 मीटर, और इसकी लेंथ जो है वो 24,300 acres। इसकी जो कॉस्ट है वो है 1,191.81 मिलियन रुपीज़, ये रुपीज़ में है। ये भी अर्थ फील्ड डैम है, यानी कि ये भी अर्थ की जो सक्सेसिव लेयर्स थी एक दूसरे के बाद उनके ये उनको मिलाने से, कंपैक्ट करने से ये फिर बनाया गया हब डैम। ये हब डैम के कुछ व्यूज़ हैं। उसके बाद है मिरानी डैम।
मेरा नहीं टाइम 2002 में स्टार्ट हुआ है इसकी कम्प्लीशन, और ये कंप्लीट हुआ था 2006 में, और ये लोकेट करता है दास रिवर पे, रिवर के ऊपर। इसकी जो हाइट है वो 39 मीटर था, ये छोटा है उनके नस्बत, और इसकी जो लेंथ है ये है 1020 मीटर या 3350 फीट इसकी जो लेंथ है। और इस पे जो कॉस्ट है ये वो 5,260.90 मिलियन रुपीज़। ये कंक्रीट फेस्ड रॉक फील्ड है, यानी कि ये रॉक्स के मिलाने से ये बनाया गया है, और ये परमिएबल होता है कंपैक्ट रॉक फील्ड के, रॉक फील्ड को कंपैक्ट करने से ये बना है, पहाड़ों के दरमियान जो बनाए जाते हैं। ये मिरानी डैम की कुछ तस्वीरें हैं। उसके बाद है सबकजाई डैम, ये 2004 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और ये 2007 में कंप्लीट हुआ। इसकी जो लोकेशन है ये जोब रिवर पर ये बनाया गया। इसकी जो हाइट है वो 34.7 मीटर या 114 फीट इसकी जो हाइट है। लेंथ इसकी है 395 मीटर या 1296 फीट। इस पे जो कास्ट है 1.4 बिलियन रुपीज़। और ये भी अर्थ एंड रॉक फिल डैम में फॉल करता है, इसकी जो टाइप है। ये सबकजाई डैम की कुछ तस्वीरें हैं। उसके बाद है गोमालजैम डैम, ये है इस डैम की जो कंस्ट्रक्शन 2007 में स्टार्ट हुई और 2015 में ये कंप्लीट हो गया था, और ये गोमल रिवर पर बनाया गया, इसलिए इसे गोमालजैम डैम भी कहा जाता है। इसकी जो हाइट है वो 133 मीटर और इसकी जो लेंथ है वो है 231 मीटर। इस पर जो कास्ट आई है वो है 18,056.060 मिलियन रुपीज़। ये इसकी जो टाइप ऑफ डैम वो है कार्वर्ड ग्रेविटी, यानी कि ये आर्क कोस की तरह जो होता है ये कार्वर्ड होता है, एंड रूलर कंपैक्ट कंक्रीट, ये कंक्रीट के बनाने से कंक्रीट से ये बनाया गया है। ये है गोमालजैम डैम। गोमालजैम डैम के बाद है अलाईक्वाल डैम, जिसकी कंस्ट्रक्शन जून 2003 में स्टार्ट हुई और ये कंप्लीट हुआ मार्च 2013 में, और ये लोकेट करता है अलाईक्वाल रिवर, इसलिए इसे अलाईक्वाल डैम भी कहा जाता है। इसकी जो हाइट है वो 51 मीटर है या 167 फीट है इसकी बुलंदी। लेंथ जो है इसकी वो 88 मीटर है या 2,289 फीट। कॉस्ट इसकी जो है वो 15,669.76 मिलियन रुपीज़। टाइप ऑफ डैम जो है ये भी सीमेंट कंक्रीट के मिलाने से बनाया गया है। ये इसकी कुछ तस्वीर हैं। उसके बाद है डबरक्वाल डैम, इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी ये स्टार्ट हुई थी जून 2003 में और ये कंप्लीट हुई थी दिसंबर 2013 में। ये इस लोकेट करता है डबरक्वाल रिवर, इसलिए इसको डबरक्वाल डैम भी कहा जाता है। हाइट जो है इसकी वो 32 मीटर और इसकी जो लेंथ है वो है 202 मीटर। इस पे जो कास्ट आई है वो है 22,208.1 मिलियन रुपीज़। इसकी जो टाइप ऑफ डैम है वो है ग्रेविटी एंड रूलर कंपैक्टेड कंक्रीट, इनके ग्रेविटी भी है, इनके मेड ऑफ ये कंक्रीट पर बना होता है, और ये जो ग्रेविटी जो डैम होते हैं ये विदस्टैंड करते हैं बाय इट्स सेल्फ वेट, अपने वेट की वजह से ये विदस्टैंड करते हैं विदाउट एनी लेटरल सपोर्ट, इनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। इस डैम का हर सेक्शन जो होता है वो दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है और स्टेबल होता है। ये डबरक्वाल डैम की ये तस्वीर है। उसके बाद वसक डैम, इसकी कंस्ट्रक्शन 1949 में स्टार्ट हुई और 1960 में कंप्लीट हुई, और ये कहाँ लोकेट करता है काबुल रिवर पिशावर में। इसकी जो हाइट है 76.2 मीटर और इसकी जो लेंथ है वो है 140.2 मीटर। इस पर जो कास्ट है 156 मिलियन रुपीज़। टाइप ऑफ डैम जो है ये ग्रेविटी डैम है। ये वारसक डैम की कुछ तस्वीर हैं। वारसक डैम के बाद है खानपुर डैम, जो 1968 में जिसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और ये कंप्लीट हुआ 1983 में, और ये लोकेट करता है हैरो रिवर जो कि केपीके में मौजूद है। खानपुर डैम की जो हाइट है वो है 51 मीटर और इसकी
51 मीटर या 167 फीट, और इस पे जो कॉस्ट है वह है 1352 मिलियन रुपीस, और ये भी ग्रेविटी ग्रेविटी डैम की एक टाइप है। ये खानपुर डैम की तस्वीर है। अब जो जो अंडर कंस्ट्रक्शन डैम्स हैं पाकिस्तान में उसकी आप बात करते हैं, अब जो पंजाब में जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उनमें है अकोरी डैम, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जो कालाबाग डैम है ये प्रपोज तो किया गया था कि बनाया जाए, लेकिन अभी इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद सिंध में जो है वो द्रावा डैम, ये जामशुरू में है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। नई गज डैम जो है ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है इन दादू डिस्ट्रिक्ट। खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो उनमें दासू डैम, बारा डैम, मुंडा डैम एंड कलाम डैम, ये सारे जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। गिलगित बल्तिस्तान में जो है दियामिर भाषा डैम, गुंजी डैम, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जो सतपारा डैम है ये कंप्लीट हो गया था 2013 में। उसके बाद जो बलोचिस्तान में हिंगोल डैम, ये प्रपोज किया गया था कि ये बनाया जाए, लेकिन अभी इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद सुखलेजी डैम, नौलांग डैम, द्रावा डैम, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, घरोक डैम, विंडर डैम और पिलर डैम, लेकिन इनके अभी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं हुई। दैट्स इट सर। एनी क्वेश्चन? जी बड़ा जी, खत्म हो गई है। चलो यस सर। ठीक है, तो बाकी अल्लाह खार करे फिर नेक्स्ट सही इसी तरह बड़ी वाजे यस बड़ी सर। अच्छी बना बनाया करें, अपना कोशिश किया करें कि इस तरह से बने लफ्ज बड़े हों ताकि वो मोबाइल पे जो बच्चे देखते हैं उनको नजर आए। यस सर। ओ सर ट्राई तो की है, हाँ ठीक है, अच्छा आप देखें। ठीक है। तो और तो नहीं को बात करनी किसी ने? सर सुनते रहो, 5 लोग ठीक है होंगे फिर, बस। है अल्लाह हाफिज। ठीक है सर। सर 3 बजे होगी ना क्लास? ये 3 बजे वाली रहने तो कोई बात नहीं, वो एक लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा है ना, मैंने बताया आपको अपना प्लैंकटोन और नेक्टोन वाला वो देखें। ठीक है सर। हाँ ठीक है, सलाम अलैकुम। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज।